वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया अकरम। जी जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, और ठीक ठाक होना भी चाहिए भाई, क्योंकि अभी अभी तो ईद गुजरी है ना। तो जनाब, आप सबको हमारी तरफ से गुज़िश्ता ईद मुबारक हो। वैसे ईद इतनी भी गुज़िश्ता नहीं हुई, अभी दो रोज पहले ही तो ईद ख़त्म हुई है। वैसे ईद होती तो 3 दिन की है, लेकिन छुट्टियाँ 5 दिन तक चली जाती हैं। वैसे भी ईद ख़त्म कहाँ हुई है, ईद के जो प्रोग्राम हैं, जो दावतें हैं, और वो तो अभी तक चल ही रही है ना। तो क्यों ना आज के प्रोग्राम में भी ईद के हवाले से ही बात कर ली जाए। तो फिर ठीक है, आज हम बात करेंगे कि कैसा रहा रमज़ान और कैसी रही ईद। ईद बहुत मसरूफियत वाला त्यौहार है, कोई दावतें करने में मसरूफ़ होता है और कोई दावतें उड़ाने में, कोई घूम फिर कर सैर सपाटे करके ईद मनाता है, तो कोई ईद के दिन भी ख्वाबो खरगोश के मज़े ले रहा होता है। खैर, हर एक का अपना अपना अंदाज होता है। बहुत से लोग ईद इंजॉय करते हैं और बहुत से लोग नहीं करते, और रमज़ान की तो वैसे क्या ही बात है, हर काम में डिसिप्लिन सा आ जाता है। रोज़मर्रा के काम के साथ साथ लोग इबादतों के लिए भी वक्त निकाल लेते हैं। आपका रमज़ान कैसा रहा और कैसी रही आपकी ईद, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथी आएंगे आपके पास अभी थोड़ी ही देर में। इसके अलावा हम आपसे बात करेंगे लाइव कॉल्स पर, और हमारा आज का लाइव कॉल्स का टॉपिक है शैतान आज़ाद हो गए। रमज़ान का महीना शुरू होते ही शैतानों को जगड़ दिया जाता है भाई, ताकि इंसान बुरे कामों से बचें और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन ऐसा होता है कि शैतान के जकड़े जाने के बाद भी कुछ लोग बुरे कामों से बाज नहीं आते, इसकी क्या वजह है? वैसे कुछ शरारती किस्म के लोगों से अगर ये सवाल किया जाए तो पता उनका क्या जवाब होता है? उनका जवाब होता है कि भाई, शैतान छुट्टियों का काम देकर जाता है हमें। खैर, ये तो मजाक की बात ही। इसी मौजू पर आपकी राय जानेंगे लाइव कॉल्स पर, और लाइव कॉल्स पर बात करने के लिए आप नंबर डायल कर सकते हैं 04236308164। अभी आपको मिलवाते हैं एक ऐसे बुजुर्ग शख्स से जिन्हें हरमैन शरीफैन की सबसे पहले फोटोग्राफी करने का एजाज हासिल है। उनके पास मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की नायाब तस्वीर का बड़ा सा खजाना मौजूद है। लोग जब भी हज या उम्रे के लिए जाएं तो उनकी तस्वीरें लाते हैं। ये बुजुर्ग हैं अजमत शेख, जिन्होंने 1967 में सिर्फ 13 रुपए के कैमरे से फोटोग्राफी का आगाज किया था। अजमत शेख के हवाले से मजीद जानते हैं इस ये अजमत शेख का घर है, जिसे अल्लाह ने अपने घर की नायाब और नादिर तस्वीर बनाने के लिए मुंतखब किया और दुनिया भर में अक्कासे हरमैन शरीफैन के लकब से मुमताज किया। '67 में जलालपुर जटा में अपनी छोटी सी फोटोग्राफी की दुकान में चोरी पर परेशान अजमत शेख घरेलू अशिया फरोख्त करके एक मोहल्लेदार से 100 रुपए लेकर कुवैत गया। 100 रुपए में उस वक्त भी कोई नहीं जाया जा सकता था, उस वक्त भी कम से कम 2-3 हजार रुपए चाहिए। तो मैंने घर में कुछ बर्तन पड़े हुए थे, वो फरोख्त किए। बच्चे का टीका करना था, उसके लिए चीनी लेकर रखी थी, वो फरोख्त की, और इधर कुछ और चीजें फरोख्त करके मैं कोई चला गया। मजदूरी की और फिर अपने 13 रुपए के कैमरे के साथ तस्वीर बनाने का जुनून उसे खाने खुदा ले गया। 1967 में ही उसने खाना काबा की रोशनियों से मामूर ये तस्वीर बनाई, जो इतनी पसंद की गई कि सऊदी हुकूमत ने उसे खाना काबा के फजाई मंजर की तस्वीर कशी के लिए हेलीकॉप्टर फराहम किया। और उसने अपने लेन हाफ कैमरे के साथ ये शाहकार तस्वीर बनाई। मैंने कैमरे वगैरह सब फिल्में 3-4 कैमरे सब लोड किए हुए थे, ताकि ये नहीं कि कैमरे की फिल्म खत्म हो गई तो उसी लोड करूँ। फिर मैं जब हेलीकॉप्टर में बैठ के फोटोग्राफी कर रहा था तो ये ख्याल दिल में आया कि अल्लाह, ये ख्वाब तो नहीं, ये ऐसा हो गया है। तो फिर साथ ही अल्लाह पाक की मेहरबानी से ख्याल है, हाँ ये ख्वाब ही था जो अल्लाह ने तेरा पूरा किया है। मक्का की फजाओं और मदीने की गलियों की खूबसूरत फोटोग्राफी से उसे इश्क था, इसीलिए वो अपनी तस्वीर की प्रिंटिंग इटली या लंदन से कराता।
ताकि खाने खुदा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम को खूबसूरत से खूबसूरत अंदाज में पेश कर सके। उन वक्तों में कलर फिल्म नहीं होती थी, ट्रांसपेरेंसी होती थी, वो या मैं खुद करता या लंदन या इटली खुद लेके जाता। हरम पाक और मस्जिद नबी की तौसी के बाद उसकी बनाई नादिर तस्वीर तारीखी अहमियत की हामिल हैं। उसकी फोटोग्राफी के अरबों शाहकार दुनिया भर के मुसलमान घरानों में महफूज हैं। 83 साला अजमत शेख ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के अहम मकामात की तस्वीर कशी करके उसे किताबी शक्ल दी। 30 नवाशे सोलो कर चुका हूँ, जिनमें लंदन, कुवैत, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, लाहौर, कराची, पेशावर, यानी मुख्तलिफ जगह पर। खुदा पर उसका यकीन इतना मजबूत है कि उसकी हर ख्वाहिश, हर जरूरत इसी यकीन की बदौलत पूरी हो जाती है। हत्ता के उसने कई बीमारियों को भी इसी यकीन से शिकस्त दी। खुदा ने अजमत शेख को इज्जत, दौलत और शोहरत से खूब नवाजा, लेकिन उससे आजजी और कनात की दौलत नहीं छीनी, यही उसका एजाज है। 60 साल से मस्जिद नबी और खाने खुदा की तस्वीर कशी करने वाला अल्लाह का ये फकीर, जो मुसव्विर हरमैन शरीफैन के खिताब से नवाजा जाता है, अल्लाह ताला ने इन्हें दीनों दुनिया की इस दौलत से नवाजा जिससे दुनिया भर के शहनशाह महरूम हैं। कैमरामैन हामिद नवीद के साथ नदीम अंजुम, दुनिया न्यूज़, लाहौर। जी जनाब, शेख अजमत के हवाले से आपने एक रिपोर्ट देखी है, शैतान आजाद हो गए, इस हवाले से क्या कहते हैं आप, ये जानेंगे हम लाइव कॉल के जरिए इस ब्रेक के बाद। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। एक दफा सर सैयद अहमद खान, मौलाना शिबली नुमानी और मौलवी मुमताज अली बैठे हुए थे, मुख्तलिफ मौजूआत पर बहस हो रही थी। उस दौरान सर सैयद का एक कागज जो है वो गुम हो गया और वो कागज ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें ना मिला। अचानक मौलाना शिबली की नजर जो है उस कागज पर पड़ी, उन्हें शरारत सूझी तो उन्होंने उस कागज पर फटाफट हाथ रख दिया। सर सैयद ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया और ऊंची आवाज में बोले, सुना है जो चीज गुम हो जाए शैतान उसे अपने हाथ तले छुपा लेता है। फिर वो मौलाना से मुखातिब हुए और कहा, मौलाना जरा दिखाना कागज आपके हाथ के नीचे तो नहीं आ गया। जनाब ये तो मजाक की बात थी, लेकिन इसमें कितनी हकीकत छुपी है। वो इस तरह कि जब इंसान की नेकियां गुम होने लगे और वो बुरे काम करने लगे, तब भी ऐसा ही होता है कि इंसान का नफ्स शैतान की जगड़ में आ जाता है और शैतान बंदे को अच्छाई के कामों से रोक कर बुराई के रास्ते पर लगा देता है। खैर, शैतान का तो काम ही यही है। और रमजान का पूरा महीना कैद में रहने के बाद जब शैतान की रिहाई होती है तो जाहिर है वो भी जश्न मनाता होगा और लोगों को बुराई की तरफ लाने के लिए नए नए तरीके भी आजमाता होगा। वैसे शैतान जब आजाद होता है तो उसका मुजाहरा चांद रात को ही नजर आ जाता है। जब शैतान मेरा मतलब है नौजवान मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल कर सड़कों पर आ जाते हैं और खूब शोर मचाते हैं, अगर शैतान से हमारा रब्ता होता तो हम जरूर शैतान साहब की राय भी ले लेते। खैर, अभी लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के मौजू पर। हमारा आज का मौजू है शैतान आजाद हो गए, और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 04236308164। और अभी लेते हैं कॉलर, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? कर रहा हूं, अदील बात कर रहा हूं, बिहारी से। जी अदील, आपका मौजू बहुत अच्छा है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रमजान के बाद शैतान आजाद हो जाता है। इसका मुजाहरा बिल्कुल ठीक, चांद रात से ही खाली मोटरसाइकिल से साइलेंसर निकाल के नहीं, बाजारों में और स्पेशली जहां खवातीन की खरीदारी होती है वहां पे भी जो हमारे नौजवानों का रश है और ये सारी चीजें, फिर जखीरा अंदोजी और फिर ईद वाले दिन जो रेट्स हैं वो आसमान से बातें कर रहे होते हैं। लेकिन मैं एक चीज यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इतनी आदत 11 माह में शैतान हमें डाल देता है कि खुद तो वो बंद हो जाता है लेकिन हम उसकी डाली हुई आदत को रमजान में भी जारी रखते हैं। बिल्कुल सही, उसकी वो जो प्रैक्टिस है वो हमारी रमजान में भी जारी रहती है। बिल्कुल ये सही, आई एग्री विद यू, बिल्कुल सही बात। जैसे देखिए फर्ज माहौल के आप जो नॉर्मल रेट है सारी दुनिया में, जब कोई उकैयन आता है तो उस वक्त चीजों के रेट्स और चीजें वो लोग कम कर दी जाती हैं, सेलें लगा दी जाती हैं, लेकिन हमारा मुल्क वाहिद है जहां खजूर से लेके पकौड़ा, चीनी, ईच एंड एवरीथिंग वो आसमान से उसके रेट बातें, हर बंदा अपनी मनमाने रेट ले रहा होता है,
चाहे वो मुर्गी का गोश्त हो, चाहे बकरे का गोश्त हो, चाहे कोई एक खजूर लो, कुछ करो, ये जो चीजें हैं, चाहे कपड़े का असर रेट है, ये चीजें हमें अपने एक चीज समझनी है कि शैतान जरूर कैद हो जाता है, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिसेस वो हमें 11 माह डाल जाता है, बिल्कुल सही, वो उससे हम बाज नहीं आ सकते। असल में शैतान कैद हो जाना जो है वो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई ताकि लोगों को बताया जाए कि अब अगर आप एक सारा जो इल्जाम है इंसान जाके शैतान पे लगा देता है कि भाई शैतान ने बहकाया, शैतान की वजह से हमने ये किया, तो चलो अब वो रमजान में बंद है, तब तो शैतान नहीं है, लेकिन हमारे अमाल, हमारी बुराइयां जो हैं वो उसी तरीके से जारी रहती हैं। बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। हम एक और कॉल लेते हैं और हमारे आज के टॉपिक पे हमें बड़े मज़े मज़े की बातें सुनने को मिल रही हैं और देखते हैं कि कौन हमारे साथ लाइन पर है और वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, जी मैं उमर बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी उमर, आपको पहले तो बहुत ज़्यादा गुज़श्ता ईद मुबारक हो, जो कि गुजर चुकी है, मतलब इतनी देर नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम आपको बिल्कुल मुबारकबाद तो दे सकते हैं। आपने हमारा आज का टॉपिक सुना, आप उस बारे में क्या कहते हैं? जी पहले बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत ईद मुबारक गुज़श्ता। टॉपिक आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़े का है कि जी शैतान आज़ाद हो गए। वाकईतन शैतान आज़ाद हो जाते हैं। अभी जो पहले प्रोडक्ट उन्होंने ये कहा, आप बात करें कि चांद रात से ही ऐसा लगता है जिस तरह से शैतानों ने जो है वो एक दावा बोल दिया है, और हर दूसरा तीसरा शख्स के अंदर ही कोई एक चिरा नजर आ रहा था शैतान का। अभी मौसम बता रहे थे दूसरे कॉलर से कि जी वो निकलना और खवातीन की जगह जहाँ शॉपिंग हो रही होती है, तो ये चीज गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। और वही बात है कि एक महीना जो रमजान का होता है, अल्लाह मियां ने ये महीना इसलिए दिया कि हम लोगों की एक प्रैक्टिस हो जिसको हम लोग बाकी 11 महीनों में इम्प्लीमेंट करें, लेकिन बदकिस्मती से 11 महीनों में शैतान के साथ रह रहे के हम लोग उसकी चीजें रमजान में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। रमजान में ऐसे बंद नहीं होते शहजाद, अपना जो जितने भी हैं शैतान वो बंद नहीं होते, मतलब अल्लाह की तरफ से तो वो जगह भी है, मतलब शैतान तो बंद हो जाते हैं लेकिन उसके चेले जो हैं, उसके वो पैरोकार जो हैं वो घूमते रहते हैं और जो है अपनी हरकतें जारी रखते रहते हैं। बिल्कुल, मतलब ये झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, गिबत करना, जो भी करना, ये और क्या चीजें हैं, ये यही चीज है ना जो शैतान की आदत होती है, जो शैतान वर्गलाता तो इंसान बेसिकली शायद हमें ये पता नहीं होता कि रमजान का मतलब क्या है। रमजान का मतलब ये कि बस भूखे रहना, सारा दिन कुछ ना खाना और रोजा रख लेना, उसके जो बेसिक मीनिंग्स है वो शायद हम लोग को नहीं पता कि हमें किस तरह से बिहेव करना है, जो कि असल मकसद है रमजान का और रोजे का, वो हम भूल जाते हैं, बस भूखे रहते हैं, रोजे रख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही रमजान एंड होता है तो बस अल्लाह पाक ने तो यहाँ तक फरमाया ना, अल्लाह पाक तो ये कहते हैं कि हमें अल्लाह को पाकों की जरूरत नहीं है, अल्लाह को इबादत की जरूरत है। और अगर हम लोग सिर्फ फाका करेंगे, सुबह सारी करेंगे, फिर रात को उठेंगे, शाम को उठेंगे, सारी करेंगे, तो दिस इज नॉट कॉल्ड रोजा, ये तो आपने एक फाका कर लिया। तो इंसान को एक सबर की तलकीन बताई ने, और पूरे 11 महीने हम लोगों को इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जो एक महीने में हम लोगों ने सबर के साथ का इस रमजान से हम लोग 11 महीनों में इम्प्लीमेंट करें, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नजर नहीं आता और शैतान जो है वो वाकई में आजाद हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। जी जनाब, ये हमारे कॉलर हमारे साथ थे और हमारा जो आज का टॉपिक है कि शैतान आजाद हो गए, इस हवाले से उनकी दिलचस्प बातें आपने सुनी। इस हवाले से आप भी अपने ख्याल का इजहार कर सकते हैं, लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी बात करते हैं रमजान और ईद के हवाले से। तो जनाब, कैसे रहा रमजान, कैसी रही ईद, आपसे ये जानने के लिए हमारे साथी आपके दरमियान मौजूद हैं और यूनस आफरीदी आपके साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। हेलो जी यूनस आफरीदी। जी नाजिया। हाँ जी, आप इस वक्त किस इलाके में मौजूद हैं और आप जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे पूछें कि उनका रमजान कैसा गुजरा, उनकी ईद कैसी गुजरी। जी नाजिया, मैं मौजूद हूँ गार्डन वेस्ट के इलाके में, ये चांदनी चौक एक जगह है जहाँ बाजार भी है, और यहाँ हम लोगों से हम बात करते हैं कि कैसा रहा रमज़ान और कैसी रही ईद। रमज़ान अल मुबारक का जो महीना है वो बाबरकत महीना अपनी तमाम तर रहमतों के साथ हमसे चला गया, और जिन लोगों को मौका मिला उन्होंने यकीनन इस महीने में इबादत भी की है, उसके बाद शुक्राने के तौर पे ईद भी मनाई है। तो हम लोगों से पूछते हैं कि ये महीना कैसा रहा और फिर ईद उनकी कैसी रही। जी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, जी आप बताएंगे कि कैसा ये महीना रहा ईद का और कैसी रमज़ान कैसा रहा और ईद फिर कैसी गुजरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक मुसलमान होने की हैसियत से रमज़ानुल मुबारक महीना हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन महीना है, जिसमें अल्लाह पाक ने तमाम मसले मसाइल और तमाम दुआओं बख्शिश का एक महीना है जिसका हम सालों साल इंतज़ार करते हैं। मगर बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे इस मुल्क शहर कराची के अंदर ये महीना हमने इस तरीके से डर से गुजारा है जो एक अल्लाह से डरना होना चाहिए। हम यहाँ लोगों से डरते रहे, खौफ व हरास में ही हमने ये महीना गुजारा है।
ना इबादत हो सकी हैं, ना मोहल्ले में वो शोर गुल जो एक रमज़ानों की रौनक होती है ना वो इसमें हो सकी हैं। लाइट के हवाले से लाइट नहीं होती थी रमज़ानों में, एक यहाँ पे ऐसा लगता था कि जैसे ब्लैक आउट हुआ हुआ हो। सिर्फ टारगेट किलरों ने रमज़ान का महीना गुजारा है, कराची की आवाम ने बहुत ही अफसोस के साथ ये महीना गुजारा है। रमजान तो गुजर गया, अब ईद भी उसके बाद आई, आपने यकीनन ईद भी गुजारी हो। सर जैसे ही रमज़ान गुजरा है वैसे ही हमारी ये ईद भी गुजरी है, ना लोग घरों से निकले हैं, ना मोहल्लों में वो रश था, ना ईद में जो एक जोशो खरोश एक मनाई जाती है, जो एक मोहब्बत पाई जाती है, वो कुछ भी इस रमज़ान और इस ईद में ये मौके हमें नहीं मिल सके, जिसके लिए हमें बड़े अफसोस से कहना है कि इस हुकूमत ने हमारे लोगों का कोई ख्याल नहीं किया और बिल्कुल लोग बेबस होकर अपने घरों में बैठे रहे और अल्लाह से सिर्फ दुआएं मांगते रहे कि ये महीना इतना मुबारक महीना जो हमें नसीब हुआ इसमें हम फायदे नहीं उठा सके। आप क्या कहते हैं, रमज़ान गुजर गया यकीनन ईद भी फिर गुजर गई और लोगों ने रमज़ान में इबादत भी की होंगी, ईद फिर मनाई जाती है शुक्राने के तौर पर, क्या कहते हैं सारे? हम कहते हैं कि ये बहुत ही अफसोस में गुजरा है पूरा रमज़ान भी हमारा और ईद भी, दोनों शोक में गई है। हमारे भाइयों को बेदर्दी से कत्ल किया गया, शहीद किया गया, इस वजह से हम ये रमज़ान ना मना सके। आप बताएंगे रमज़ान कैसा रहा आपका? बस अल्लाह पाक ने गुजार दिया है रमज़ान, बाकी ये पहला रमज़ान ऐसा है कि जिसमें सिर्फ लाशें उठी हैं, बाकी ना कोई खुशियां घरों में ना कुछ। लोगों के घरों में आज भी मातम है, लोग ईद मना के तो चुके हैं मगर उनके दिलों में वो खुशियां नहीं हैं। जिस तरह लोगों को मारा गया है, काटा गया है, कोई खुशी नहीं है। बस ये पहली हुकूमत देखी है जिसने इतना बेड़ा किया मुल्क का। नाजिया आप सुन रही हैं, लोगों का कहना ये है कि ये जो रमज़ान मुबारक का महीना है ये गुजरा, बिलखसूस आखिरी अशरा तो बहुत ही ख़तरनाक था इस हवाले से कि कराची में खौफ और दहशत की फजा थी और ईद भी इसी कंडीशन में गुजरी है। यूनुस आफरीदी, मैं सुन सकती हूँ कि लोग जो हैं जिस तरह से कि बाकी मुल्क के दूसरे हिस्से में मनाई गई है ईद, शायद कराची में उस तरह से ईद नहीं मनाई गई और लोगों ने ये ईद जो है खौफ और हरास में ही गुजारी है और बहुत अफसोस के साथ, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है ये सुन के और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हमारे भाई जो कि कराची में रहते हैं उन लोगों ने किस तरह से रमज़ान गुजारा और किस तरह से ईद गुजारी, जान के बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन हम दुआ कर सकते हैं, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह करे वहां के हालात बेहतर हों। यूनुस अफरीदी, कोई ऐसा आपको वहां पे मिल रहा है जो कह रहा हो, जो बताना चाह रहा हो या बता सकता हो कि उसकी ईद कुछ बेहतर गुजरी और उसने मतलब ईद अच्छे तरीके से गुजार ली? मैं कोशिश करता हूं, लोग यहां मौजूद हैं, आप से बात करेंगे हम, आप बताएंगे आपने यकीनन ईद भी गुजारी कैसी, जाहिर खौफ रहा सब कुछ रहा लेकिन ईद खुशियों का त्यौहार होती है। ईद खुशियों का त्यौहार था लेकिन हमारे अपने दोस्त को हमारे साथ उठने बैठने वाला उसको कत्ल किया गया, उसको मारा गया, उसके ऊपर आज तक हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये नहीं पता कि वो कौन लोग थे, हमारी उम्र का लड़का हमारा दोस्त, उसको 28 रोजे को उसको काट के फेंक दिया गया। अब आप खुद सोचें हमारी ईद कैसी गुजरी होगी, और यहाँ हमारे इलाके से उठा के ले गए, हमारे इलाके में इतना खौफ और हरास है कि अब यहाँ से लोगों को उठाया जा रहा है, यहाँ पर गोलियाँ मारी जा रही है और यही ला के फेंका जा रहा है लोगों को। अब आप खुद सोचें हम कैसी ईद गुजारेंगे, हमारे माँ बाप ने हमको घर से उतरने नहीं दिया कि भाई हालात सही नहीं, हम लोग घर से उतर नहीं सके, वैसे हमारी ईद बिल्कुल अच्छी नहीं गुजरी। बस आप क्या कहेंगे? हम यही बोलेंगे सर, अमन अमान होना चाहिए कराची में, जैसे हालात चल रहे हैं वैसे की वजह से, जैसे काम पर आते हैं इधर से वो होता है, डर डर के आना पड़ता है, ये होना पड़ता, लेकिन सर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा नाजिया, ये चूँकि मार्केट है, हम जहाँ मौजूद हैं, मैंने आपको बताया था कि कुछ दुकानदार भी हमारे साथ यहाँ हैं, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है इस चौक में, हम इनसे पूछते हैं कि यकीनन ईद पर लोगों ने खरीदारी भी की होगी तो इनकी ईद शायद दीगर की। अच्छा, आफरीदी, आप इन दुकानदारों से वैसे ज़रा जानिएगा कि क्या किस तरह से जिस तरह बाकी मुल्क के हिस्सों में लोगों ने शॉपिंग की और ईद मनाई, क्या इस तरह से यहाँ कराची में इस तरह से लोगों ने शॉपिंग की जिस तरह से हर साल की जाती है? जी ये बताएं, आप चूँकि ये यहाँ रहे हैं, दुकान भी आपकी है और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है, कैसी रही है अमूमन लोगों की जो शॉपिंग थी वो कैसी? हमेशा पिछले सालों की तरह बहुत कम रही है और अमूमन आम टाइमिंग से ज़्यादा पहले जल्दी दुकानें बंद हो जाती थी, जैसे खौफ रास्ता 9 बजे से दुकानें यहाँ क्लोज हो जाती थी। जैसे पिछले रमज़ान के मुताबिक इस साल बहुत कम सेल हुई है, बहुत कम हुई है। चांद रात से पहले 2-3 दिन थोड़ा सा सुकून हो गया था तो उस पर फिर रश बढ़ा था? नहीं, उस पर कोई रश नहीं बढ़ा था, वैसे ही रहा जैसे आम दिनों में था, खौफ और हरास हर जगह फैला हुआ था, लोग घरों से बाहर ही नहीं आ रहे थे। आप भी यहाँ दुकान पर मौजूद हैं, आप बताएं कि ईद जाहिर है इसी जब खौफ में रमज़ान गुजरा है तो फिर ईद भी ऐसी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी अंदाज में, क्योंकि मायूसी बहरहाल गुना है,
कुफ्र है और हम सोचते हैं कि ये हालात बेहतर होंगे, तो कुछ बेहतरी की तवक्को भी है और ईद कैसी गुजरी? ईद का एक हफ्ता सिर्फ सही तरीके से गुजरा, बाकी कुछ कह नहीं सकते। अभी तो अल्लाह का शुक्र, अभी तो अमन अमान है। ईद से पहले जो 23वें रमज़ान के बाद जो सिचुएशन थी, पहले रमज़ान के बाद यानी कि खुल नहीं सकता था दुकानें वगैरह, यानी कि लाइटें वगैरह नहीं होती थी, कारोबार के लिए लोग घरों से निकलते नहीं थे, तो इस वजह से ना लोग खौफ हराज में बहुत थे। तो मतलब आप चांद रात बेहतर रही, ईद बेहतर रही? हाँ, चांद रात और ईद बहुत अल्लाह का शुक्र है बेहतर रही। नाजिया देखें, कुछ लोग हैं जिन्होंने कोशिश की है कि इन इस खुद को इस खौफ की कैफियत से निकालें, और एक साहब ने कहा कि बेहतर कोशिश की है और बेहतर रही है। यहाँ हमारे साथ और दुकानदार मौजूद है। फरीदी, जिस तरह से कि ईद जो है एक बहुत ही मुकद्दस त्यौहार है, रमज़ान गुजरा जो कि अच्छा गुजरना चाहिए था, ईद जिस तरह से मनानी चाहिए थी उस तरह से नहीं मनाई गई। फिर ईद तो एक बहुत ही मुकद्दस त्यौहार है जो कि अच्छे तरीके से गुजरनी चाहिए है, लेकिन कराची के लोगों का रमज़ान कैसा गुजरा, ईद कैसी गुजरी, ये हम देख भी रहे हैं और सुन भी सकते हैं। इस बारे में हम मज़ीद बात करेंगे, वापस आके यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। बात हो रही थी कि कैसा रहा रमज़ान और कैसी रही ईद। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथी यूनस आफरीदी कराची में मौजूद हैं और वो लोगों से जान रहे थे कि वहाँ उनकी ईद किस तरह से गुजरी, और हम भी सुन सकते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह से कंप्लेन कर रहे हैं। हम वापस चलते हैं उनकी तरफ और दोबारा से उनके जो है ख्याल जानते हैं। जी यूनस आफरीदी। जी नाजिया, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं गार्डन वेस्ट के इलाके में हूँ और यहाँ बड़ी रमज़ान में भी खौफ और दहशत की फ़जा रही है। ये मार्केट भी है, मैंने आपको बताया कि एक ज्वेलरी की दुकान जो शॉपकीपर है उनसे हमारी बात हुई, एक चप्पल वालों की दुकान है वहाँ उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये ऐसा है कि ईद से रिलेटेड चीज़ें हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनके पास शॉपिंग कैसी रही, ख़रीदारी कैसी रही। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ईद तो गुजर गई ना, कैसी रही लोगों की शॉपिंग वॉपिंग? अल्लाह का शुक्र था, हालात अल्लाह पाक, जब मुसलमान के अमाल अच्छे हो जाएंगे अल्लाह हालात भी अच्छे कर देंगे। आज हम में इत्तेफाक नहीं है, हम सब मुसलमान भाई भाई हैं और एक बन के रहेंगे। अल्लाह पाक अल्लाह अच्छे हालात भी लाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र था, अल्लाह पाक ने ईद से दो दिन पहले हालात अच्छे रखे। अल्लाह हम सब मुसलमान को एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, रमज़ान चूँकि बरकतों का महीना था, रमज़ान गुजर गया तो लोगों ने रमज़ान में रोज़े रखे, बरकतें समेटी और ईद अच्छी गुजरी? ये बिल्कुल सही थी, लेकिन पहले जैसी बात नहीं थी, हर आदमी के दिल में टेंशन था, खौफ था, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया, अल्लाह पाक ने रहम किया कि कारोबार कुछ बेहतर था, पहले से कुछ बेहतर था। अल्लाह हम सबको मुसलमान को एक बनने की तौफीक अता फरमाए और नेक बनने की। नाजिया, ये मैंने आपको बताया कि चप्पल की जो दुकान है जूतों की, उनके जो शॉपकीपर है उनसे बात की और आपने देखा कि उनकी गुफ्तगू में मायूसी नहीं थी, क्योंकि यकीनन खौफ और दहशत की फ़जा अपनी जगह पर, लेकिन लोगों ने बहरहाल जब हालात कंट्रोल में आए हैं तो लोगों ने ईद मनाई है, चांद रात मनाई है। हम यहाँ मार्केट में बात करते हैं, एक लेडीज़ ट्रेलर शॉप है, कि उनकी ईद कैसी रही, क्योंकि उमूमन ये ईद से रिलेटेड चीज़ें हैं। त्यौहार में जो है लेडीज कपड़े जरूर सिलवाती हैं, वैसे आम हालात में भी बहुत बनवाती हैं, लेकिन जो कि ईद का मखसूस त्यौहार था तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कपड़े बनवाए होंगे। उमूमन जो लेडीज ट्रेलर जो होते हैं वो बहुत मसरूफ होते हैं ईद के मौके पर, तो इनसे बात करते हैं कि इस दफ़ा कैसी ईद रही, कैसी शॉपिंग की लोगों ने, और ये जो फिर कपड़ों की जो सिलाई की बात थी, तो ज़ाहिर ये ईद पर कपड़े खवातीन तो बहुत सिलवाती हैं, तो कैसे रहे, कुछ हालात बेहतर भी हो गए थे चांद रात से पहले? सिर्फ 3 दिन के लिए बेहतर हुए थे जो आखिरी दिन थे, बाकी पूरा रमज़ान ख़राब गया, जो कि होना चाहिए कारोबार और जो खुशियाँ ईद की लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकी, क्योंकि नौजवान इस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया गया कि हर आदमी, लोगों के घरों में मातम था, खुशी किस बात की रह गई, इस बेदर्दी से कत्ल किया, किसी के हाथ किसी की टांगे नहीं है, किसी का सर नहीं है, क्या खुदा का खौफ नहीं आएगा इनको कभी, क्या इनको नहीं मरना, इन दहशतगर्दों को, ये बचे रहेंगे और इंशाल्लाह देखना आप, जालिम की उम्र बहुत थोड़ी होती है और ये भी ऐसा मरेंगे कि इन्हें अपने लाश भी दफनाने को नहीं मिलेगी और इंशाल्लाह अमन भी होगा फिर दोबारा, इंशाल्लाह अमन होगा इंशाल्लाह, रात के बाद फिर सवेरा जरूर होता है तो कल हमारा होगा इंशाल्लाह। नाजिया, इन्होंने ट्रेलर जो है बड़ी अच्छी बात, अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह होती है और ये मायूसी की बात नहीं है, गो के ये हालात जो गुजरे और ईद जैसी भी गुजरी बाहर के, उस पर एक एक उम्मीद किरण इनके पास मौजूद है और इन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह इस शहर में अमन होगा और आइंदा रमजान बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह।
बिल्कुल यूनुस अफरीदी, हम सबको ये उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए कि एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह हालात ज़रूर बदलेंगे। हम सब की कराची के लिए बहुत ज़्यादा दुआ है, कराची के लोगों के लिए कि वहाँ पर अमन कायम हो जाए और वहाँ पर भी लोग जो हैं नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें बग़ैर खौफ के, बग़ैर खौफ व हरास के। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस अफरीदी हमारे साथ रहने का। जनाब ये थे हमारे साथी यूनुस अफरीदी और उन्होंने बात की कि कैसा रहा रमज़ान और कैसी रही ईद। आपने सुन लिया कराची के लोगों के हालात सुने कि उनकी ईद किस तरह से गुजरी, रमज़ान किस तरह से गुजरा। अभी प्रोग्राम में शामिल करते हैं आपकी लाइव कॉल्स और बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। आज का हमारा जो लाइव कॉल्स का टॉपिक है वो है कि शैतान आज़ाद हो गए। इस मौजू पर बात करने के लिए आप नंबर डायल कर सकते हैं 04236308164। और अभी बढ़ते हैं कॉल की जानिब और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं सलमा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सलमा, आप की ईद कैसी गुजरी? सबसे पहले आपको हमारी तरफ से गुज़श्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ईद एज यूजुअल बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन आपके टॉपिक के हवाले से और क्योंकि ईद गुजरी है, मैं इस हवाले से ये मैसेज देना चाहूंगी कि पूरे रमजान में जिन चीजों की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो हम लोगों को चांद रात में ईद पे कहीं भी नजर नहीं आती। बेसिकली तो रमज़ान जो होता है वो इसलिए होता है कि सारा साल के लिए हमें एक प्रैक्टिस मिल जाती है, एक हम रूटीन बनाते हैं रमज़ान के पूरे महीने में, जो कि हमें पूरे सारा साल उसको प्रैक्टिस करना होता है और वो हमारी प्रैक्टिस एंड हो जाती है चांद रात पे आके। वही मैं आपको की बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी कि चांद रात में जो शोर जो हंगामे और नजर आ रहा होता है वो चीज रमजान हमें नहीं सिखाती। मतलब एक बाकी वो जो शैतान आजाद वाली बात होती है ना, कि बेसिकली वो शैतान शायद हमारे अपने अंदर ही है जो कि इतनी आराम से आजाद हो जाता है कि अभी रोजा खत्म नहीं हुआ होता और लोगों की जो चांद रात की जा रही है वो ज्यादा पहले शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मतलब शैतान बेसिकली हमारे दिमाग में या दिल में होता है, हम लोग उसके बंद जाने से शायद ऐसा नहीं होता कि आप बुराइयां करना बंद कर देते हो या जो आपके गलत एक्ट्स हैं आप उनको खत्म कर देते हो, वो तो आपके बेसिकली दिमाग में होता है कि आपने किस तरह से बाज रहना है बुरे कामों से और मुख्तलिफ बुराइयों से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। जी नाजरीन, हम देखते हैं कि कौन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर, हम एक और कॉल लेते हैं और वो हमारे आज के टॉपिक के बारे में क्या कहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं? मैं अनवार बात कर रहा हूं कराची से। जी अनवार, आपकी ईद कैसी गुजरी? आपको बहुत बहुत गुज़श्ता ईद मुबारक हो। हाँ बस मेरी थोड़ी मसरूफ गुजरी, और आपका जो आज का टॉपिक है, मैं आपका रेगुलर व्यूअर भी हूँ और आपका शो देखता हूँ बहुत शौक से और मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली आपकी एंकरिंग और रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी होती हैं शो में। इसके अलावा जो आपका आज का टॉपिक है उसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि वाकई सारे जितने शैतान हैं वो रमज़ान का मेरा ख्याल अफ्तारी खुल जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस इस पर एक ईद पर एक साहब एक बंदी के साथ एक्चुअली रहा और वाकई मुझे लगा जिस तरह शैतान जो है वो जिस तरह ही ईद का चांद नज़र आता है वो खुल जाते हैं और उस तरह की हरकतें करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यानी कि आप कहते हैं कि शैतान जो है जितना रोज़ा जब तक इंसान ने रखा होता है शैतान बंद होता है और उसके जैसे इफ्तारी होती है शैतान खुल जाता है और जैसे ईद आती है चांद रात शुरू होती है तो शैतान मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो जाता है। बिल्कुल, मेरा एक्सपीरियंस रहा इस बार ईद पर 3 दिन एक बंदी के साथ और फैमिली में भी कुछ लोग इस तरह के थे, लेकिन स्पेशली इस बंदी के बारे में वैसे ही कुछ लोगों से जब मिलना जुलना होता है वो ये लगता ही है, बाकी तो रोज़े रखते ही नहीं और वो रमज़ान के दिनों में भी शैतान ही होते हैं। लेकिन और इस तरह भी होता है कि कई फौरन चांद नजर आने के साथ फौरन ही शैतान बन जाते हैं। अच्छा आप ये बताएं कि अनवार, शैतान बेसिकली एक ही होता है ना, बाकी तो उसके सारे चेले हैं और वो चेले कौन होते हैं? हम ही, हम इंसान ही उस शैतान के चेले बन जाते हैं असल में। नहीं नहीं, सब जितने भी शैतान हैं वो उसी शैतान के रूप में आते हैं। मतलब शैतान एक है और वो उसके मुख्तलिफ रूप हैं और वो हम सारे ही हैं। मतलब अगर मैं तो खैर नहीं हूँ, लेकिन जितने मेरा एक्सपीरियंस हुआ है शैतान वाकई खुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये तो चोर की दाढ़ी में वैसे तिनके वाली बात है। मैंने वी डिड नॉट से एनीथिंग, आपने खुद ही से अपने आप को एलिमिनेट कर दिया कि नहीं मैं नहीं हूँ, बाकी सारे शैतान हैं। आज जो शैतान है वो मतलब एक एक जो है वो शैतान की सूरत में ही होता है, मैं तो नहीं हूँ अपने बारे में कौन कहेगा, लेकिन वाकई लोग शैतान बन जाते हैं, उस तरह की हरकतें करना शुरू हो जाते हैं, झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं, कुछ वादे कर मुकर जाते हैं, इस तरह की हरकतें करना शुरू हो जाते हैं लोग। बहुत बहुत शुक्रिया अनवार आपका हमें कॉल करने का। जनाब कॉल्स का सिलसिला जारी है, इस टॉपिक पर आपकी राय और तासुरात जानेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।
मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। हमारे जो साथी हैं वो आपके पास आए, उन्होंने जाना कि आपका रमज़ान किस तरह से गुजरा, आपकी ईद किस तरह से गुजरी। इसके अलावा लाइव कॉल्स पे हम बात कर रहे हैं हमारे आज के टॉपिक पे कि शैतान आज़ाद हो गए, और हमें बड़े मज़े मज़े की बातें सुनने को मिल रही हैं। बातों का ये सिलसिला इसी तरह से जारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त हो गया है धरती के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तसर सी न्यूज़ का। 2.5 फुट के दूल्हा मलक इश्फाक ने रचाई अनोखी शादी और देखते रह गए वलीमे के मेहमान। जब 2.5 फुट का दूल्हा अपनी 3 फुट की दुल्हन के साथ ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर वलीमे की तकरीब में रिक्शे पर पहुंचा, दूल्हा के भाई, दोस्तों, रिश्तेदारों और अहले इलाका ने ढोल की थाप पर खूब भंगड़ा डाला और दूल्हा पर नोट भी निछावर किए। अहले इलाका का कहना था कि वो इस शादी को बरसों याद रखेंगे। गुजरांवाला में बिजली और गैस की लोड शेडिंग से निजात हासिल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तावन से तैयार होने वाले 15 क्यूबिक के पहले बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है। 1,00,000 रुपए की लागत से भैंसों के गोबर से तैयार होने वाले 15 क्यूबिक गैस प्लांट से 4 घरानों की बिजली और गैस की जरूरियात पूरी की जा सकेगी। DCO गुजरांवाला बैरिस्टर नबील अहमद ने इस मौके पर कहा कि बायोगैस से तवानाई के मंसूबे के तहत मुख्तलिफ इलाकों में 500 प्लांट्स लगाए जाएंगे। मुसलसल बारिशों के बाइस हैदराबाद शहर की शाहराहों और गलियों में सीवरेज के खुले मेन होल्स शहरियों की जिंदगियों के लिए खतरा बन गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के पानी में गायब हो जाने वाले खुले मेन होल्स में गिरने से मुतादिद बच्चे जख्मी हो चुके हैं। लतीफाबाद यूनिट नंबर 12 में खुले मेन होल में 2 बच्चों के गिरकर शदीद जख्मी होने के वाकयात पर शहरियों ने सख्त एहतजाज किया और बताया कि मेन होल्स के ढक्कन चोरी हो चुके हैं और बारिश का पानी जमा होने की वजह से गटर नजर नहीं आते और इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बन गई है। 20 बेड्स पर मुश्तमिल रंगपुर रूरल हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों की गैर हाजिरी और अदबियात न मिलने के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। मरीजों ने कहा कि सरकारी अस्पताल में इन्हें सिरिंज तक नहीं मिलती, बल्कि सरकारी डॉक्टर मरीजों को अदबियात लिख देते हैं जो वो मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं। महकमा सेहत के अफसरान ने बताया कि अस्पताल की जानिब से इन्हें अदबियात की डिमांड ही नहीं दी गई। मरीजों ने वजीर आला पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ से अपील की कि रंगपुर अस्पताल में अदबियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चावतनी में दरिया रावी के कटाव से मुतासिर होने वाली 600 घरों पर मुश्तमिल आबादी अमीरपुर के सैकड़ों रिहायशियों ने मकामी इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां शुरू न करने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और टायर जलाकर लाहौर मुल्तान GT रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। रैली पैलेस चौक से शुरू होकर प्रेस क्लब चीचावतनी में इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर बंद बनाओ, अमीरपुर बचाओ और इक्तदार में बैठे लोगों, हम गरीबों को बचाओ जैसे नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने कहा कि दरिया के कटाव की वजह से पानी गांवों से सिर्फ 200 फुट दूर रह गया है। पानी के खौफ से आबादी के रिहायशी नौजवान सारी सारी रात जाग कर पहरा दे रहे हैं। जी नाज़रीन, आपसे बातें हमने काफ़ी सारी की हैं, अभी क्यों ना कुछ बातें हो जाएं अशफाक अहमद के बारे में। अशफाक अहमद उर्दू ज़बान के मारूफ अफसाना नगार, ड्रामा नगार और नसर नगार और ब्रॉडकास्टर थे। अशफाक अहमद 22 अगस्त 1925 में पैदा हुए। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA उर्दू किया और फिर इटली की रोम यूनिवर्सिटी से इटालियन और फ्रांस की ग्रे नोबल यूनिवर्सिटी से फ्रेंच जबान में डिप्लोमे भी किए। उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ब्रॉडकास्टिंग की खसूसी तरबियत भी हासिल की। उसके बाद वो दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में उन्होंने 2 साल लेक्चरर के तौर पर भी काम किया और फिर रोम यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद की हैसियत से पढ़ाने लगे। वापस आकर उन्होंने एक लिटरेरी मैगजीन दास्तान गो जारी किया और फिर 2 साल उन्होंने वीकली लेलो नहार की अदारत भी की। अशफाक अहमद 1967 में मरकजी उर्दू बोर्ड के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। 1989 तक इसी इदारे में काम करते रहे। सदर ज़ियाउल हक के दौर में वो वफाकी वजारत तालीम के एडवाइज़र भी रहे। अशफाक अहमद का शुमार उन राइटर्स में होता है जिन्होंने क्याम पाकिस्तान के बाद खूब शोहरत हासिल की। 1953 में उनके अफसाने गडरिया ने खूब शोहरत हासिल की। एक मोहब्बत, 100 अफसाने और उजले फूल उनके इब्तदाई अफसानों के मजमूए हैं। 1965 में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर एक हफ्ता वार फीचर प्रोग्राम तलकीन शाह के नाम से शुरू किया।
तंज़ो मिज़ाह पर मबनी ये प्रोग्राम 30 साल से ज़्यादा अरसे तक जारी रहा और अवाम में बेहद पसंद किया जाता रहा। अशफाक अहमद की शादी बानो कुत्सिया से हुई, जो ख़ुद भी उर्दू अदब की तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है। अशफाक अहमद ने 7 सितंबर 2004 में वफात पाई। उनका इंतकाल जिगर में रसोले की वजह से हुआ। जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज हमने बात की रमज़ान और ईद के हवाले से और शैतान के आज़ाद होने के हवाले से। तो जनाब, वैसे ये सच है कि रमज़ान में शैतान कैद हो जाता है, लेकिन फिर भी जो लोग बुराइयां करते हैं वो तो उसके ज़िम्मेदार खुद होते हैं। वो इस तरह से कि भाई रमज़ान में शैतान तो कैद हो जाता है, लेकिन इंसान का नफ्स आज़ाद रहता है और इंसान का असल इम्तिहान ही अपने नफ्स पर काबू पाना होता है। वैसे अगर देखा जाए तो रमज़ान का पूरा महीना ही इंसान के नफ्स पर काबू पाने की तरबियत देता है। मखसूस वक्त के लिए खाने पीने से बाज रहना, झूठ, गीबत, चोरी और दूसरी बुराइयों से ख़ुद को बचाए रखना दरअसल नफ्स पर काबू पाना ही होता है और रमज़ान की ये तरबियत पूरे साल के लिए होती है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि रमज़ान ख़त्म होते ही सब पहले वाली रूटीन पर वापस आ जाते हैं और रमज़ान के असल मकसद को हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। बाकी महीनों की बात तो खैर हम छोड़ ही दें, और जो लोग रमज़ान में भी बुराइयों से बाज नहीं आते तो उसमें भाई शैतान का क्या कसूर है, बल्कि ये सब उनकी अपनी शख्सियत ही का अक्स होता है और इससे ज़ाहिर होता है कि उन्हें अपने नफ्स पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो जनाब, असल बात तो है कि अपने नफ्स को कंट्रोल किया जाए और यही हमारा असल इम्तिहान भी है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है और फिर हाजिर होंगे नई बातों के साथ, नए मौजूआत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।